क्या हुआ पापा को? बीती रात हम गंगोत्री जाने वाले थे पर गलती से हमारी फ्लाइट मिस हो गई और हम वापस आ गए। जब हम आश्रम वापस आए, I'm sorry, it's a mistake. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बड़ा शौक था ना बाबा के नीचे आने का, हाँ? अब तो देख, देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। माता, आप बात को समझिए। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन अभी इस लड़की को यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है, वरना 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 क्या? क्या वरना? हम दोनों सड़क पे आ जाएंगे? तो आ जाएं। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। क्या है कबूर साहब, मौत बाबा की हुई, आत्मा आपकी भटक रही है? अगर ये बाहर पता चल गया ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। सस्पेंस बिल्ड कर रहे हो, डिटेल्स में बताओ ना। डिटेल में क्या बताना है, कि जो तुम जूस पी रहे हो, जो तुम चिप्स खा रही हो, ये सब बाबा के ब्रांड के नीचे बनता है और ये ब्रांड में 400 करोड़ रुपए मैंने लगाए हैं और ये पैसे मुझे बाबा के आश्रम से आते हैं। अगर इन भक्तों को मालूम पड़ गया ना ये देसी चीजें बनाने वाला ये संस्कारी महाराज बाबा डॉट कॉम देखते देखते देसी देसी आप देखते हैं क्या? देसी बाबा डॉट कॉम देखते देखते ऊपर चला गया तो ये ब्रांड तो बंद हो ही जाएगा और मैं भी रोड पे आ जाऊंगा। कपूर साहब, आपके इस बाबा की हरकतों से पता चल गया कि इन्हें योगा के इतने सारे आसन कैसे आते थे? करेक्ट। मेरे और बाबा के आत्मा की शांति के लिए आप लोग को कोई ना कोई प्रोग्राम तो फिक्स करना पड़ेगा। अरे आप टेंशन क्या ले रहे हो कपूर साहब, आप जूस पियो, मैं हूं ना, बाबा का है। ये पुलिस वाले भी देसी बाबा डॉट कॉम देखते। अरे ये कंगालों के पास ना ना दिखाने के लिए कुछ होता है ना छुपाने को, लेकिन ये रईस लोग जितना दिखाते ना उससे कई ज्यादा छुपाना पड़ता है। और जिस दिन आपने रईसों की नब्ज पकड़ ली ना तो समझ लो कि आप भी फिक्सर बन गए। बाकी जब ट्यूशन खोलूंगा ना तो एनरोल कर लेना, ठीक है? सब जानते हैं कि महाराज जिन्हें सारी दुनिया पूछती है उनके पीछे आपका यानी मां शारदा की सालों की कड़ी मेहनत थी। दिन रात साया बनकर आपने उनका साथ दिया और बदले में उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया। लेकिन आप भी सोचे ना, उन्होंने जो कुछ भी किया मौत से बड़ा क्या हो सकता है? इतने सालों से अच्छे बुरे हर वक्त में आपने उनका साथ दिया है ना? बस कुछ घंटे हो, बाबा की इज्जत को अपनी इज्जत समझिए, यही तो मांग रहा हूं मैं आपसे। और सर बाबा को कोई बीमारी बीमारी तो नहीं थी ना? अरे कोई बीमारी नहीं थी इस बाबा को, बस ये नाड़े का ढीला था। तो कब से पता सर? कुछ बनाना पड़ेगा, ये दिल का दौरा टाइप। हाँ? दिल का दौरा? कुछ खर्चा वर्चा तो नहीं आएगा? साहब देख लेंगे ना बाद में। क्या देख लेंगे बाद में? सिमोन सिमोन सिमोन, इन लोगों का कुछ नहीं जान। स्टेट में कौन सा सीएम आएगा वो भी यही लोग डिसाइड करते हैं। देखो सबसे पहले तो सिमोन को पैसे देके रफा दफा करना पड़ेगा, उसके बाद अंदर जो कुछ भी हुआ है ना वो मैं संभाल लूंगा। आप मेरे साथ हैं ना? मुश्किल से तुम्हारी फेम आ रही है, अब वो भी अटक जाएगी। उसका पेशा ही एक्टिंग करना, अब उसके चक्कर में हम अपना घर तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। इसको कैसे पता चल गया? किसे? दैट जर्नलिस्ट रिचा। स्टोर आंसर इट, कर इट राइट नाउ। अरे इन मीडिया वालों का क्या है, दो हफ्ते बाबा के नाम पर खूब साबुन तेल बेचेंगे और फिर निकल लेंगे। उनका क्या जाता है, हमें अपना देखना है।
पूछ साहब अब सिर्फ हार देगी। पुलिस और मीडिया का बंदोबस्त मैं करती है, आश्रम के अंदर कोई आना नहीं चाहिए। अरे आराम से बाबा को तकलीफ ना हो। कौन तुम तो? बताओ मुझे हुआ यू? मैं तुम्हें बताता हूँ, यू आर नोबडी। कल को एक न्यूज आएगी कि सिमोन शाह ने किया सुसाइड, मरवा देंगे तुम्हें। ठीक है, बाबा हैड प्रॉमिस मी सम मनी। ठीक करो, फिल्म वाली है, कल को कोई नाटक नहीं चाहिए ना। बाबा तो चल बसे, अब आपकी अरबों की इज्जत, उसके सामने 1 करोड़ और 50 लाख बहुत पैसे होते हैं। चुपचाप लो, मनीष मल्होत्रा को फोन करो, बोलो उसे तुम्हारे प्रीमियर के लिए अपनी बेस्ट ड्रेस निकाल के रखे। जस्ट ऑर्डर हिम। 1 सेकंड, क्या चाहिए? कुछ नहीं, आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट डिजाइनर शी इज वेयरिंग फॉर द प्रीमियर। मनीष मल्होत्रा। अरे आपको तो पता है ना कि बाबा के करोड़ों भक्त हैं, अरबों की प्रॉपर्टीज है, सब कुछ आप ही को तो संभालना है। You've got to be strong. अरे हिंदुस्तान में ना 3 भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश और पैसों की भाषा। पैसा सिर्फ बोलता ही नहीं, नियम बनाता है, उसे तोड़ता भी है। ये ऐसी स्वीट भाषा है ना, इससे कोई मना नहीं कर सकता। सिमोन भी नहीं चाहिए। पैसे की है गुजली, डॉलर की मुरली, बदलेगा गेम फिक्सर। एल्बर्ट के ला थोड़ा सा। डोंट वरी, कॉज ऑफ डेथ विल बी हार्ट अटैक। जैसे तेल के शेक का घोटाला, नोटों की बंदी में छुपाता पैसा, फिक्सर चापे है पैसा। चवनी है भाव रुपया। मलिक तू है बहुत बड़ा जुगाड़ू है, तू बड़ा गेमर। अरे कपूर साहब जाके माता जी से हिसाब तो कर लो। हेलो, हाँ क्या? अच्छा क्या कपूर साहब, सारा दिन आपको ये झटके वाले फोन ही आते हैं? वो आना कपूर साहब, एक सेकंड, अब बाबा को लपेटने की तैयारी कीजिए, मैं देख कर आता हूँ। पागल पागल है क्या तू? आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है ना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, कितने गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। घर वाले मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, फ्रेंड्स भी फोन नहीं उठा रहे, एवरीबॉडी इज कॉलिंग मी होर। जिस भी कमीने ने मेरे साथ ये सब किया ना, कुत्ते की मौत मरेगा वो। ए गाली नहीं देने का सांप को, सांप के सामने। सांप तो मारे होंगे, मेरे कुछ नहीं लगते। अरे सुन, तेरे को पता है ये कौन है? तेरे बेल का जुगाड़ इन्होंने ही किया। इससे अच्छा तो नहीं कराते, कम से कम पुलिस स्टेशन में एक छत तो थी मेरे पास। रिलैक्स, लिसन, जस्ट रिलैक्स, तुम काम डाउन, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। मेरे पास घर नहीं है, बताया ना मैंने आपको। ठीक है तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। ऑफ कोर्स, बेल जो कराई है आपने, कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। ये ऑल आर द सेम। हां इससे मिसाल तुम्हारी तरह मेरा दिन भी ना फुल एक्शन मूवी जैसा था, इसलिए सीधे सरल शब्दों में समझ जाओ, इंसानियत के नाते कर रहा हूं, चॉइसेस होंस। अरे मैं जानता हूं मैं गलती करने आ रहा हूं, लेकिन अगर गलती इतनी खूबसूरत हो तो उसे करने में बुरा भी नहीं लगता। आखिर लोग ड्यूअल सिम के बदले 2 फोन भी तो यूज करते ही है ना। केसर यार तुम ना टेंशन बहुत लेती हो।
टेंशन की बात है मलिक, सर हम गोलियां चली हैं तुम पे, यहाँ यहाँ सबकी जान गले में अटकी हुई है। पता नहीं कैसा शहर है मुंबई, आज वो सिद्धेश्वर महाराज का देहांत भी हो गया है वहाँ। प्रयागराज वाले आश्रम में तो चंगे भले थे वो। अच्छा, तुम मानती हो उन्हें? मैं नहीं, मम्मी मानती थी। इनफैक्ट वो कहती थी कि मैं उनकी ही देन हूँ। वाह, ऐसा लगता है बाबा जी का प्रसाद सबने खाया। बहुत मेहनत की होगी तुम्हारी मम्मी जी ने, तो फिर इस खास लड़की के लिए खास गिफ्ट भिजवाना पड़ेगा। 52 इंच का टीवी भिजवाता हूँ, हाँ उसी पे आपने सीरियल देख लेना। वो सब तो ठीक है मलिक, लेकिन एक बात सच्ची बताना, तुमने वहाँ मुंबई में कोई रख तो ले लिया है ना? भाभी क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? मैं बस ये सोच के टेंशन ले रही हूँ कि टीवी किस दीवार पे लगाऊं। वो सीधे के दाहिने में जो कमरा है ना, वो तुम्हारा है, तुम जाकर वहां पर आराम कर लो, जस्ट रिलैक्स। थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। शुरू से शुरू करूंगी तो माँ बुरा मान जाएगी। आज खाना नहीं बनाया तू? गैस खत्म हो गई थी। तो फिर दूसरा बाटला ले आता। मंगवा था, बोला आज नहीं आके देगा। तो गुस्सा क्यों कर रही है? एक दिन खाना नहीं बनाया ना? मैं तेरा नौकर नहीं। तो मैं तेरी नौकर है हा? जो सारा दिन नौकरी करके घर आती है। नौकरी करती, एहसान नहीं करती। रोज तेरे कपड़े धोता हूँ, बर्तन मांजता हूँ, खाना बनाता हूँ, और शाम को दारू पी के गाली भी मैं तेरी खाता हूँ। हाँ, इतनी तकलीफ है ना तेरे को, तो चल छोड़ देती है मैं पुलिस की नौकरी। अरे मैं कहाँ मना कर रहा हूँ तुझे काम करने से, जितना काम करना उतना करना, लेकिन तू कभी कभार मेरे साथ बैठकर प्यार से बात भी तो कर सकती है ना। तो क्या चाहता है तू? हाँ, सारा दिन मैं थाने में सबके राड़े सुलझाऊं, उसके बाद बंदोबस्त में मैं ही खड़ी रहूं, इलेक्शन में, आंदोलन में, होली में, हैप्पी दिवाली में, हर जगह मैं भागू, और उसके बाद जब मैं थक हार के मर के जब घर पे आऊं, तेरे सामने खड़े रह के बोलूं, हेलो बेबी, हाउ वाज योर डे? नहीं होगा मेरे से। जयेश जा, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर। मलिक, बाबा का चैप्टर तो फिक्स हो गया। और सिमोन भी मान गई, और साथ में माता भी। जानी मानी एक्टर सिमोन शाह की आज लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां वो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है, शायद उनकी नई फिल्म के बारे में। आइए आपको उनके लाइव कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर कमिंग। आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि आज मैं इस पोजीशन पे पहुंच पाई, वरना जब मैं इंडस्ट्री में नई नई आई थी तो मैं 6 लड़कियों के साथ एक रूम शेयर करती थी। एंड लुक एट मी टुडे, आई एम वेयरिंग अ गाउन डिजाइन बाय मनीष मल्होत्रा। मेरी इस कामयाबी के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, वो है स्वामी सिद्धेश्वर महाराज जी, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह संभाला। व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप्स, उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया, अपने आश्रम में जगह दी और मेरी सारी जरूरतों का ध्यान रखा। फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया, मेरे कपड़े उतारे और मुझे बिस्तर से बांध कर ही रेप मी। ये पूजा पाठ ये सब ढोंग है, बाबा का असली काम है मुझ जैसी हेल्पलेस लड़कियों का फायदा उठाना। मेरे ना चाहने के बावजूद भी ही टुक एडवांटेज ऑफ मी एवरी डे। कहीं ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? पब्लिसिटी? मेरे पास बाबा की तस्वीरें हैं टू प्रूफ एवरीथिंग। कपूर साहब खड़े रहिए, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में अपने अकाउंट से ट्वीट करूंगी। कपूर साहब आराम से। इस पाखंडी और ढोंगी बाबा की वजह से मुझे पता चला है कि हम औरतों को चुप नहीं रहना चाहिए, अपने हाथ है खाने की, सो रहा आवाज उठाकर इन्हें एक्सपोज करके कहना चाहिए। खड़े रहिए। स्वच्छ स्वदेशी। जैन सर, शेरावत, मुझे लगता है सिद्धेश्वर महाराज की राम पाठ का निर्देशक मलिक ही है, जरा नजर रखो उस पे। ठीक है सर, डन सर। जैन सर, ईमानदारी करप्शन के डब्बे पर वो ढक्कन होता है जिसे तोड़कर ही काम हो सकता है।
पर जब पैसे देकर भी डब्बे से घी ना निकले ना, तो घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। हेलो, अरे मुंबई पुलिस से कोई है इधर? अरे दो कॉन्स्टेबल्स की ड्यूटी रहती है इधर। हेलो, कोई है मुंबई पुलिस से इधर? कहाँ थे आप लोग? मल्ले के कमरे के बाहर गेट पे ड्यूटी रहती है ना आपकी? अरे मैडम, हम लोग इधर ही थे। क्या हुआ? कुछ होने का वेट कर रहे हैं आप लोग? काम डाउन मैडम, मैं नीचे गया था, ये लोग मुझे ब्रीफ करने आए थे। बोलो क्या हुआ? जो भी करना है यहाँ आकर करिए। जितनी देर में आप नीचे गए थे उतनी देर उनके लिए काफी है। मल्ले के साथ कुछ भी करने के लिए वो मर भी सकता था। बहुत कमीना शहर है। कभी कभी ये इंसान को ताकतवर होने की गलत फहमी में रखता है। मैं भी इसी गलत फहमी का शिकार हो गया था। ना समझो से मेल और औकात का खेल आज नहीं तो कल इंसान को मार ही देता है।